मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास सेवन की बात कर रहे हैं, चैप्टर थ्री लिया है एडवांस एमएस एक्सेल 2013। दो चैप्टर है आपके, वो पूरे हो चुके हैं और उसकी पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में भेज दी है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, पीडीएफ में समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, वो सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री कह रहा है, क्या इन दिस प्रीवियस चैप्टर यू हैड लर्न अबाउट, पिछले चैप्टर में भी हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर में भी हम एक्सेल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो उस चैप्टर में जो छूट गया था थोड़ा बहुत, वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दिया है यूजिंग थीम्स विद डिफरेंट कलर, डिफरेंट फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। पिछले चैप्टर में हमने थीम्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर हम यहाँ थीम्स पढ़ेंगे डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट फॉन्ट्स में और इफेक्ट्स में, अलग अलग इफेक्ट्स और अलग अलग थीम्स के बारे में। मार्जिन सेटिंग इन द डॉक्यूमेंट्स वन पेज ओरिएंटेशन, डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग करना पेज की कि कितना पेज प्रिंट आउट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा, लैंडस्केप में हो या फिर पोर्ट्रेट में हो, पोर्ट्रेट ऐसे लैंडस्केप ऐसे, ठीक है भाई। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच वी आर वर्किंग, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं उसका साइज क्या रहता है डॉक्यूमेंट्स का, वो चीज़ें पढ़ी। इंसर्टिंग ब्रेक्स इन आवर डॉक्यूमेंट्स, एक पेज के दो हिस्से करना हो या फिर दो पेज को एक पेज बनाना हो, वो पेज ब्रेक भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। इंसर्टिंग इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर लोकल डिस्क एंड फ्रॉम इंटरनेट, अगर कोई भी इमेज डालनी है बैकग्राउंड में तो उसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में लोकल हार्ड डिस्क से डाल सकते हैं या फिर हम इंटरनेट से डाल सकते हैं, वो चीज़ें पढ़ी। एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल के बारे में। तो इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी हैव कवर्ड सम ऑफ द पोर्शन पेज लेआउट है, तो पेज लेआउट टाइप का जो कुछ पोर्शन होता है वो हम लगभग कवर कर चुके हैं। नाउ अस मूव फर्दर डिस्कवर सम ऑफ मोर फीचर्स इन दिस टैब, तो इसलिए आज हम इस चैप्टर में पेज लेआउट टैब का कुछ और फीचर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, वो क्या क्या फीचर्स हैं पेज लेआउट टैब के, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ने वाले। तो ऑप्शन दिया है स्केल टू फिट, हमारी एमएस एक्सेल की वर्कशीट होती है, यहाँ पर पेज नहीं होता, एक्सेल में वर्कशीट होती है। पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया गया था कि वर्कशीट होती है जिसमें रो कॉलम्स और आपकी सेल होगी, उसमें ही आपको डेटा की एंट्री करनी होती है, उसमें ही आपका डेटा एंटर होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्केल टू फिट की। इट्स अलाउड टू सेट द डेटा इन फिक्स नंबर ऑफ पेज एज पर द वाइड एंड हाइट, इट्स हेल्प बेस्ड स्केल टू फिट विच इंक्लूड्स पेज पेज मार्जिन हेडर फुटर एंड सीट। नंबर वी आई गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्केल टू फिट ऑप्शन स्टेप बाई स्टेप। तो देखिए ये क्या होता है स्केल टू फिट, स्केल टू फिट में हमारे जो सारे कॉलम्स होते हैं, ये सारे कॉलम्स होते हैं उनका साइज सेम रहता है, हमारी जो रोज होती है उनकी हाइट भी सेम रहती है, कॉलम भी सेम वाइड में रहता है, इसको बोलते हैं स्केल टू फिट। टेक्स्ट के हिसाब से जो हमने उसमें लिखा है उस हिसाब से वो फिट हो जाता है, पेज मार्जिन हेडर फुटर सीट सब कुछ फिट रहता है। स्टेप वन, ओपन द स्प्रेडशीट विच यू वांट टू प्रिंट। सबसे पहले आप स्टेप वन दिया है, स्प्रेडशीट को खोल लीजिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। स्टेप टू, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पे चले जाएंगे। स्टेप थ्री, क्लिक ऑन स्केल टू फिट सेक्शन इन द पेज लेआउट टैब। तो स्केल टू फिट सेक्शन दिया रहता है पेज लेआउट टैब में, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्या होगा स्टेप फोर, सेलेक्ट द फिट ऑप्शन इन द पेज सेटअप मेन्यू। तो आपके सामने एक पेज सेटअप मेन्यू खुल के आएगी जिसकी हेल्प से आप अपने पेज की सेटिंग कर पाओगे। उसके बाद क्या दिया, वी कैन चूज हाउ मैनी पेज वी विश टू एंटर द डाटा हेयर।
तो यहाँ पर हम बता देते हैं उस डायलॉग बॉक्स में हम पेज चुन लेते हैं कि कितने पेजेस पर हम अपने डाटा की एंट्री करने वाले हैं। डू नॉट पुट टू मच टेक्स्ट ऑन वन पेज और एल्स, जरूरी नहीं है कि आपका एक पेज में ही टेक्स्ट आ जाए या उससे ज़्यादा पे नहीं आए, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेजेस को। एल्स बिकॉज इट्स विल बिकम टू स्मॉल टू रीड, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही छोटा दिखाई देता है हमें। स्टेप फाइव, ए ग्रेट वे टू फिट मोर ऑन टू ओवर पेज इज एडजस्ट द मार्जिन डायमेंशन, क्लिक ऑन द मार्जिन टैब एंड चेंज द साइज ऑफ मार्जिन योर स्प्रेडशीट प्रिंट आउट। प्रिंट आउट लेने से पहले क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, लगभग जैसे हमने अपने डेटा की एंट्री यहाँ तक की है, यहाँ पे 3 है, 5 है, 9 है, 2 है, 10 ए सी डी एम 00 कोई डायग्राम है, तो इस तरह की हमारी स्प्रेड शीट है। हमें इसका मार्जिन करना है, प्रिंट आउट लेना है कि जितने में डेटा है उतना प्रिंट आउट हमारा आए, उससे ज़्यादा ना आए, उससे ज़्यादा ये जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है ये ना दिखे, हो सकता है नीचे भी ब्लैंक हो, ये भी ना दिखे। तो ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं पेज मार्जिन के थ्रू। जैसे आप क्लिक करते हो प्रिंट लेआउट पे, स्केल टू फिट पे, तो ये दिखाई देता है कि आपकी सीट जब आप प्रिंट करोगे उसका क्या प्रीव्यू रहेगा, किस तरह की वो आपको प्रीव्यू में दिखाई देगी। तो इस तरह आप स्केल टू फिट में जाके उसकी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेप फोर पढ़ रहा हूँ, स्टेप फोर में क्या दिया है, सेलेक्ट द फिट टू ऑप्शन इन द पेज सेटअप मेन्यू। पेज सेटअप मेन्यू वी कैन चूज हाउ मैनी पेज वी विश टू एंटर द डाटा हियर, तो वहाँ पर हम पेज देख लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं कि कितने नंबर्स का आपका डाटा रहेगा। डू नॉट पुट टू मच टेक्स्ट ऑन द वेब पेज एल्स बिकॉज इट विल बिकम द टू स्मॉल टू रीड। स्टेप फाइव, ए ग्रेट वे टू फिट मोर ऑन टू ओवर पेज एडजस्ट द मार्जिन डायमेंशन, क्लिक ऑन द मार्जिन टैब एंड चेंज द साइज ऑफ मार्जिन ऑफ योर स्प्रेडशीट प्रिंट आउट। तो प्रिंट आउट से पहले आप अपने जो सपोज दैट आपने प्रिंट आउट लिया, यहाँ तक डाटा डाला है लेकिन प्रिंट आउट में यहाँ तक दिखा रहा है ये नहीं आ रहा, तो आप मार्जिन ऑप्शन का यूज करके उसे ठीक कर सकते हो, उसे आसानी से आप फुल साइज पे ला सकते हो, जितने पे आपका डेटा लिखा हुआ है उतने डेटा पे आप ले जा सकते हो। स्टेप सिक्स, वी शुड क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू बिफोर वी क्लिक ऑन प्रिंट। तो ये भी एक जरूरी है कि जब हम प्रिंट करते हैं उससे पहले हम अपना प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि जो डेटा हम प्रिंट करने जा रहे हैं, जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं कि जितना हमने लिखा है वो प्रॉपर पेज पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक पेज पे से दो पेज पे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू। तो वी शुड क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू बिफोर वी क्लिक ऑन प्रिंट सो दैट वी कैन सी वाट एक्सट्रैक्टली ओवर डॉक्यूमेंट्स विल लुक आफ्टर प्रिंट कमांड। तो फिर हम देखते हैं कि जब आपने प्रिंट प्रीव्यू देखा था तो सेम ऐसा ही प्रिंट आउट आपको दिखाई देगा जैसा कि आप प्रिंट कर देते हो प्रिंट प्रीव्यू में जो आपने देखा। आगे दिया है सीट ऑप्शन, एमएस एक्सेल 2013 प्रोवाइड वेरियस सीट ऑप्शन फॉर प्रिंट पर्पस जनरली। तो आपको एमएस एक्सेल 2013 बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है जब आप अपनी सीट को प्रिंट करना चाहते हैं। तो क्या दिया है, एमएस एक्सेल जनरली सेल ग्रिड लाइन आर नॉट प्रिंटेड, सेल ग्रिड लाइन आर नॉट प्रिंटेड, इफ यू वांट टू प्रिंट आउट विच इंक्लूड द ग्रिड लाइन चूज पेज लेआउट सीट ऑप्शन ग्रुप ग्रिड लाइन चेक प्रिंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिंट आउट ग्रिड लाइन में आए, यानी कि आपने डाटा लिख दिया 2, 4, 3 अभी दो मिनट रहती है मैम, वन मिनट स्टूडेंट्स।
माफी चाहते हैं स्टूडेंट्स मीटिंग के लिए। तो भाई क्या है कि हमने लिख लिया और हम चाहते हैं कि वो ग्रिड लाइन ना आए, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रिंट आउट आ जाएगा। उसके बाद अगर आप ग्रिड लाइन चाहते हैं कि ग्रिड लाइन भी आ जाए तो पूरे पेज पर आपका ग्रिड लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है, ऑप्शन इन द सीट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो जो हमारा सीट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे आते हैं। फर्स्ट दिया है प्रिंट एरिया इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिंटिंग पर्पज। जब हम प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंटिंग पर्पज में हमारा प्रिंट एरिया ऑप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। प्रिंट एरिया में क्या होता है, वी कैन सेट प्रिंट एरिया विद दिस ऑप्शन। इस ऑप्शन की हेल्प से आप सपोज दैट आपने 10 कॉलम है और 10 रोज में एंट्री की है, 10 कॉलम है आपके पास और 10 ही रो हैं उनमें एंट्री की है, आप चाहते हैं उनमें से 10 कॉलम और 5 रोज ही प्रिंट हो, तो आप क्या करेंगे उनको सिलेक्ट कर देंगे और प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो प्रिंट एरिया है वो सेट हो जाएगा, वो आता है हमारा सेट प्रिंट एरिया। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग दिया है प्रिंट टाइटल। वी कैन सेट टाइटल बाय रो रिपीट टॉप ऑप्शन एंड कॉलम रिपीट द लेफ्ट ऑप्शन। तो आप प्रिंट टाइटल भी सेट कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले, सपोज दैट आपने ये डाटा लिया है और यहाँ पर ये डाटा है स्कूल का, तो इसका आप टाइटल दे सकते हैं फर्स्ट रो में, आप इंसर्ट रो कर दीजिए तो एक रो ब्लैंक हो जाएगी, आप प्रिंट का टाइटल भी आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारा ग्रिड लाइंस जो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स और ग्रिड लाइंस टू अपेयर वाइल प्रिंटिंग वर्कशीट। जब आपकी प्रिंट वर्कशीट प्रिंट होगी तो उस पर ग्रिड लाइन आएगी, चेक बॉक्स ऐसा बॉक्स लगा रहता है, इस पर लिखा रहता है ग्रिड लाइन, उसमें आप राइट कर दीजिए तो आपकी ग्रिड लाइन आपके पेज पर आ जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स हैव योर कलर प्रिंट आउट इन चार्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट। इसका काम क्या होता है कि आपने सपोज दैट कुछ डेटा एंट्री की है, उस डेटा एंट्री के साथ साथ आपने उससे रिलेटेड जो चार्ट है वो भी बनाया है, लेकिन चार्ट कैसा प्रिंट हो, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हो, चार्ट प्रिंट कैसा हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू हैव योर कलर प्रिंट प्रिंटर प्रिंट चार्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट क्या दिया है, ड्राफ्ट क्वालिटी, क्या दिया है ड्राफ्ट क्वालिटी, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स यू हैव कलर प्रिंटर प्रिंट द चार्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी माफ करना, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स प्रिंट द चार्ट यूजिंग द प्रिंटर ड्राफ्ट क्वालिटी सेटिंग। तो प्रिंटर से आप उसमें प्रिंट जो चार्ट है उसको कैसी क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपका इसमें ओपन हो जाएगा। उसके बाद दिया है हेडिंग रो एंड कॉलम हेडिंग, रो एंड कॉलम, सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू हैव रो एंड कॉलम हेडिंग टू प्रिंट। अगर आप चाहते हैं कि जो आप प्रिंट आउट कर रहे हैं उसमें रो और कॉलम्स के हेडिंग भी प्रिंट हो, कैसे हेडिंग प्रिंट हो भाई, हम सब जानते हैं कि कॉलम्स को हम ए बी सी के नाम से जानते हैं, ये हमारी स्प्रेड शीट होती है, ठीक है, तो इसका रो और कॉलम के हेडिंग भी प्रिंट हो, तो जैसे कि हमारी रो होती है 1, 2, 3, 4 इस नाम से होती है और जो कॉलम को डिफाइन किया जाता है वो ए बी सी और डी इससे डिफाइन किया जाता है। तो जब आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप चाहे तो रो और कॉलम के जो नंबर्स और नेम हैं दोनों को एक साथ आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं, ये चाहे तो आप ऐसी फैसिलिटी का भी यूज कर लेते हैं। तो साथ के साथ आप जब प्रिंट करोगे अपने डेटा को तो ए बी सी कॉलम नंबर लिखा हुआ आएगा, रो नंबर आपके सामने लिखा हुआ आएगा। पेज ऑर्डर डाउन देन इट्स प्रिंट डाउन पेज फर्स्ट एंड देन प्रिंट्स राइट साइड पेजेस, ओवर देन डाउन इट्स पेज राइट साइड प्रिंट फर्स्ट देन प्रिंट डाउन पेज।
पेज ऑर्डर को भी आप 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, अप डाउन प्रिंट आउट के लिए। जैसे 10 पेज है, पहला 1 पेज होगा, फिर 2, फिर 3, फिर तो ऐसे आप उन्हें देख सकते हो प्रीव्यू। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये ऑप्शन आ जाता है हमारा, कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसके बारे में, तो इसे पढ़ लेते हैं। इट्स ब्रिंग द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड लेवल ब्रिंग इन द फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। इफ वी क्लिक ऑन द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन इट विल शो द टू सब ऑप्शन। तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, जैसे आपने डेटा लगाया है अपनी वर्कशीट में, डेटा की एंट्री की है, उसके साथ साथ आपने कोई पिक्चर्स भी डाली है उस डेटा पे, तो बहुत सारे पिक्चर्स आपने डाली है, तो किसी एक पिक्चर्स को आप बिल्कुल फ्रंट पे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड में भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, कौन कौन से, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, कि बिल्कुल फ्रंट पे लेना चाहते हैं या फिर सबसे आगे लेना चाहते हैं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड दिया है सबसे पहले, अगर किसी इमेज, बहुत सारी इमेजेज आपकी वर्कशीट में आपने डाली है डेटा से रिलेटेड, तो क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले। दिस ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय वन लेवल, ये इसको एक लेवल आगे कर देता है। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड टैब विल ओपन, देन गो टू द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल कम इन द फ्रंट एंड नॉन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल बी हिडन। तो इससे क्या हो जाता है, ब्रिंग फॉरवर्ड से जो अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड कमांड दी है, उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे आ जाएगा, जो बाकी ऑब्जेक्ट है जो आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं वो आपके पीछे चले जाएंगे, वो हाइड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए तो इसमें इतना ही पढ़ाएंगे हम, बाकी इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं आगे भी, इसको हम बताएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।